हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आज क्राफ्ट के करी दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग अभी इसको बनाएंगे, पहले इसको तोड़ेंगे हाथ पैर, उसके बाद अच्छे से धो के फिर बनाएंगे। तो ये मेरे मम्मी बैठी है अभी उसको साफ करने के लिए। तो ये थोड़ा हमारा इसको कैसे तोड़ना है मैं अच्छे से दिखाती हूँ। कबाटा खोल ये देखिए, ये देखो ना, कौन डायरेक्ट ही कर दूँ। ये देखिए, ये इसका पैर को तोड़ रही है। तो लाइट नहीं, ऐसे ऐसे करके उसको अच्छे से तोड़ना पहले। ये लेकिन जिंदा है, इसको अभी ये तोड़ रही है। आप उसको गर्म पानी में भी डाल के मार के फिर तोड़ सकते हैं। और ये एक देखिए, वो चल के चला गया है वहां तक। यहाँ पे भी ये भी ये सारे पैर को तोड़ने के बाद उसको ऐसे कोई वो कहाँ है सीड छेचने वाला कुछ भी कूटने वाला से उसको तोड़ना है। इससे, इस चीज से, या पत्थर वत्थर से भी तोड़ सकते हैं आप। देखिए ये देखिए, ये मोटा मोटा पैर। ये हमें काट ना दे, उसका पैरों को बांधा गया है वो रस्सी से। यहाँ पे दुआ के छुप गए। ये देखिए, ये सारे तोड़ दिए, वहां पे एक बैठा है, मम्मी जा रही है उसको लाने।
अभी देखिए इसको कैसे तोड़ा जाएगा। पहले अच्छे से धो लेना है इसे। तो इसको तोड़ देना है दो पार्ट में, नहीं तो ऐसे होटल वगैरह में ऐसे सीधा वो सर्व करते हैं, इसको तोड़ते नहीं है। हम घर में बना रहे हैं तो इसको तोड़ दे रहे हैं। पहले इसको ऐसे कूटना है क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, फिर इसको ऊपर वाला पार्ट को फेंक देना है, जैसे कि ये वाला पार्ट, और उसके सर के पास से ये आँख वाँख निकाल देना है। फिर ऊपर में एक ये छिलका रहता है, इसको निकाल देना है पीछे के साइड, और वो छिलका ये पार्ट, फिर उसको धो लेना है और तोड़ देना है। क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो जब बनाते टाइम मसाला उसके अंदर अच्छे से जा पाए। इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बन के रेडी हो गया है। इसका जो आगे वाला मोटा मोटा वाला पेड़ है उसको मम्मी ने तोड़ के डाली है, इसको थोड़ा थोड़ा वो पत्थर में लगा ली है, क्योंकि जबकि इसके अंदर वो मसाला वसाला जा पाएगा अच्छे से। देखिए इसको आधा तोड़ी है, हमारा आलू फ्राई हो गया। देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें अभी प्याज डालेंगे। तेल में प्याज डाले पहले, और कुछ नहीं था, जो तेल में आलू फ्राई किए थे उसी तेल में ही प्याज डाल दिए। और इस साइड प्लेन वाला चकली, मतलब उड़ीसा में इसको चकली बोलते हैं, लेकिन ये प्लेन डोसा है, बना रही है पापा के लिए। ये
प्याज को अभी होने देते हैं थोड़ा ब्राउन। ये प्याज पूरा ब्राउन हो गए, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। फिर मिला देंगे अच्छे से। हल्दी, ये टमाटर डाल दिए और मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी देंगे। अब ये हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर, अच्छे से मिला देंगे। ये मसाला थोड़ा थोड़ा हो गया है, अभी इसमें मीट मसाला ऐड करेंगे। मसाला भी हो गया है, इसमें अभी केंकड़ा डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा मसाला हो गया था हमारा, हम निकाल देंगे, उसके बाद केंकड़ा डालेंगे उसमें। गैस फ्लेम हाई कर दे। और केकड़े को डालने के बाद 5 मिनट तक ऐसे ही इसको मसाला में कस लेना है अच्छे से। इसमें वो आलू डाला गया, अभी ऐसे थोड़ी देर के बाद पानी दे देंगे इसमें। पानी दे दिए, पानी दे दिए।
ये भी उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। ये अभी उबाल आ गया है करी में, थोड़ा पानी मर जाएगा तो फिर बंद कर देंगे। इसमें भी गरम मसाला डाल के बंद कर देंगे। बंद कर दीजिए।